हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट दे दिया हूँ। आप क्लास 10th और क्लास 12th की जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है जो क्लास 10th की है। किसकी है? क्लास 10th की, ठीक है। ये वाला क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि PYQ है, ठीक है। कह रहा है फाइंड ए, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड ए इफ़ 10 2a इज इक्वल टू कॉट ए -24 डिग्री। तो आइए देखते हैं इसको, ये दोनों आपस में इक्वल, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल जानना होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल लॉ क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल लॉ क्या होता है? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल लॉ का मतलब ये होता है कि अब देखिए, 10 अगर 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। यही सेम चीज़ साइन कॉस 10, साइन कॉस से कॉसेक लिए होता है, लेकिन यहाँ पे 10 और कॉट है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है। आप जाके इसका फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। या मैं लिख ही देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों आपस में ऐसे होते हैं। उसके बाद होता है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपको फार्मूला यूज़ होगा, और इस फार्मूले पे आपको ज़रूर से 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा हूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर 100% इसके चांस रहते हैं, 90 to 100%, मतलब लगभग 98% 95% के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहती, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ था, तो हम लोग आ जाते हैं 10 2a को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a -24 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉट कॉट सेम का कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a -24। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री था, ठीक है, यहाँ पे सारे पे लगा लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं, तो अब हम लोग अगले में करते हैं, तो क्या होगा? देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये -3a हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो ये -90 -24। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और माइनस में रहेगा, और ये -3a हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 3 9 फिर 38। आप डायरेक्ट उसको डिवाइड करिएगा, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होते ही ये आंसर क्या ले देगा? ए की वैल्यू 38 लाकर सॉल्व कर देगा, ठीक है। मतलब 30 में जाके डिवाइड होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 8 24 इसका वैल्यू हो जाएगा। और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, और इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी 1k मेरे सब्सक्राइबर को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड को और अपने ग्रुप में सबको शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।